स्वागत है दोस्तों आपका अखिल इंटरसीट में या यूं कह लीजिए विज्ञान और इंजीनियरिंग की दुनिया में। दोस्तों मैं हूं अखिल। आज का हमारा टॉपिक है फीडर प्रोटेक्शन का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये फीडर प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से आप घर में बैठ के एक कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई लेते हैं, आराम से चैन से सोते हैं। बिजली आपके घर में जो लगातार आती है वो एक फीडर की वजह से ही हो पाता है। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। तो व्हाट इज अ फीडर दोस्तों? एक फीडर होता क्या है? फीडर दोस्तों वो लाइन होती है जो पावर को ट्रांसफर करती है किसी सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन के लास्ट तक, और एक अनइंटरप्टेड कॉन्टिन्यूसली पावर सप्लाई के कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए दोस्तों फीडर का इस्तेमाल होता है। सेकंड स्लाइड पे आते हैं दोस्तों, बात करते हैं नीड फॉर प्रोटेक्शन की। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हमें फीडर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, या कौन सी ऐसी जो कंडीशन है जिसकी वजह से फॉल्ट जनरेट होते हैं? तो दोस्तों ओवरलोडिंग की वजह से, ओवर वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज जाने की वजह से, एटमॉस्फेरिक कंडीशन दोस्तों, टेम्परेचर और लाइटनिंग की वजह से, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की वजह से, और दोस्तों वायर ब्रेकेज हो जाने की वजह से। एंड थर्ड स्लाइड पे दोस्तों चलते हैं मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फीडर। तो दोस्तों जो होते हैं किसी फीडर के प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों, बेसिकली दो तरीके के मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बेसिक जो मेथड्स हैं प्रोटेक्शन के वही बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहला होता है नॉन यूनिट टाइप प्रोटेक्शन, जिसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों करंट गाइडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, टाइम गाइडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। और जो दोस्तों सेकंड है वो नॉन यूनिट टाइप प्रोटेक्शन है दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले आता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, दूसरा आता है करियर करंट प्रोटेक्शन, तीसरा आता है ट्रांसलेट वाई प्रोटेक्शन। अब दोस्तों हम बात करते हैं नॉन यूनिट टाइप प्रोटेक्शन में टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन की, जो कि पैरेलल प्रोटेक्शन फीडर के इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, सप्लाई से एंड जो है वहाँ पे, और जहाँ पे रिसीविंग एंड है वहाँ से बीच में फीडर्स लगा दिए जाते हैं जो कि पैरेलली वर्क करते हैं, एक फीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलेस लगा दिए जाते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम प्रोटेक्शन ऑफ रिंग सिस्टम की। एक रिंग सिस्टम प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल होता है, जिसमें कई सारे जो फीडर्स होते हैं उनके साथ रिलेस को लगाया जाता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे ऑपरेट होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों रेडियल प्रोटेक्शन फीडर्स की। तो दोस्तों जो रेडियल प्रोटेक्शन फीडर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, क्योंकि इसी एक ही लाइन में कई सारे फीडर्स के साथ रिले लोगे होते हैं जो अलग अलग हाफ टाइम में एक्टिवेट होते हैं। जैसे पहला 2 सेकंड, दूसरा 1.5 सेकंड, तो तीसरा 1.0 सेकंड, तो जो चौथा है 0.5 सेकंड में। इस तरीके से ये अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग तरीके से ऑपरेट होने वाले जो हमारे क्या कहते हैं रिलेज हैं वो फीडर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं करंट ग्रेडेड प्रोटेक्शन की। तो करंट ग्रेडेड प्रोटेक्शन में दोस्तों बेसिकली जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, करंट की वजह से या करंट वाली लाइन में इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो इसका ऑपरेटिंग टाइम आप देख ही रहे हैं किस तरीके से अलग अलग ऑपरेटिंग टाइम है, जो फेस लाइंस पे लगा होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिस्टेंस और इम्पीडेंस प्रोटेक्शन की। दोस्तों जो डिस्टेंस और इम्पीडेंस प्रोटेक्शन होता है वो इम्पीडेंस रिले इस्तेमाल करके इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों कि यूनिट टाइप प्रोटेक्शन में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की। तो उसमें दो तरीके का प्रोटेक्शन इस्तेमाल होता है, पहला बैलेंस्ड करंट, दूसरा बैलेंस वोल्टेज। बैलेंस करंट का साफ मतलब किसी जगह पे करंट को बैलेंस करने के लिए वहां पे बीच में रिले लगाया जाता है, और वोल्टेज का मतलब अक्रॉस लगाना, जहां पे किसी वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए वहां पे रिले लगाया जाता है फीडर के साथ, तो वो दोस्तों कहलाता है बैलेंस वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब दोस्तों बात करते हैं हम करियर करंट प्रोटेक्शन की, जिसमें यूजिंग फेस कंपैरिजन है, फेस को कंपैरिजन इस्तेमाल करके इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईडीएमटी रिले की। दोस्तों एक आईडीएमटी रिले होता है जहाँ पे सीटी लगा हुआ है, और सीटी जानते हैं आप दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे देख दोस्तों देख ले यहाँ पे एक डिस्क लगी हुई है और ब्रेकिंग मैग्नेट लगा हुआ है जो ऑपरेट होती है। ब्रेकिंग मैग्नेट जो है तुरंत मैग्नेटाइज हो जाता है, और डिस्क के घूमने की वजह से सप्लाई कट हो जाती है, और या तो अगर ज़रूरत होती है तो उसे रिपेयर भी किया जाता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं आईडीएमटी रिले की, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम। दोस्तों कम से कम समय में इनवर्स जो वर्क करता है आईडीएमटी रिले, इसका फुल फॉर्म होता है इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम। ये दोस्तों बेसिक तौर पे इस्तेमाल होने वाला, जनरली इस्तेमाल होना आईडीएमटी रिले कहलाता है। और दोस्तों अब कंक्लूजन की बात है, तो आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल टाइप फॉल्ट प्रोटेक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए फीडर एंड फीडर प्रोटेक्शन, वी कैन से दैट इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन अवर लाइफ। So we should improve it because we are electrical engineers and we can build everything। दोस्तों जो ये हमारा फीडर है, आप मानो या ना मानो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर फीडर प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा और फीडर्स नहीं होंगे तो आप अपने घर में चैन से लाइट का आनंद नहीं ले सकते हैं, बिजली नहीं आपके घर में कॉन्टिन्यूसली आएगी। उसकी बेसिक वजह होती है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में दोस्तों एक फीडर प्रोटेक्शन की, और यही दोस्तों सबसे जरूरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन के लिए, और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो लास्ट में दोस्तों थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।